देखिए संसार भर में कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो दुनिया भर की बकवास होनी स्टार्ट हो जाती है। अमेरिका में भी कुछ महीनों बाद इलेक्शन होने हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन तक का प्रयास किया गया। उसके बाद हुआ क्या कि जो बाइडन जो करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी की दावा छोड़ दिया और भारतीय मूल की कमला हैरिस को प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी दे दी है। इसकी वजह यह भी है कि जो बाइडन एक बूढ़ा आदमी है, ट्रंप के सामने टिक नहीं पा रहा था और जो बाइडन की जो मेंटल एबिलिटी है उसमें भी लगातार क्वेश्चन होते जा रहे थे। इस सब प्रोग्राम से ये भी साबित हुआ कि अमेरिका के कोर में जो रेसिज्म फैला हुआ है वो कमला हैरिस के प्रेसिडेंस के दावेदारी सिद्ध होते ही निकल के आए। कितने भद्दे भद्दे कमेंट कमला हैरिस से रिलेटेड किए गए हैं वो तो सबको देखने में और कमला हैरिस से रिलेटेड सामने आए हैं वो तो सबको देखने में आए ही है। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कमला हैरिस का समर्थन कर सकते हैं, उनके लिए रैलियां या कि प्रचार कर सकते हैं। एक और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि पूर्व जो अमेरिकी सांसद है जो पाकिस्तान समर्थित कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं उन्होंने भी कमला हैरिस को समर्थन दिया है। जिसका रिसेंट डेवलपमेंट ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान को $101 मिलियन की अनाउंसमेंट एज ए एड जो बाइडन ने रिसेंटली किया है और भारत के रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों और मणिपुर के क्षेत्र में अमेरिकन नागरिक को विजिट न करने की एडवाइजरी जारी की है। जब कोई भी देश दूसरे देश के इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ी सा दुखी होता है तो पहले इस प्रकार की ट्रेवल एडवाइजरी जारी करता है। रिसेंटली हमने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रूस की विदेशी यात्रा में गए, उनका एक अच्छा सा स्वागत किया गया रूस में। इन सबको रिस्पॉन्ड करते हुए अमेरिका ने पहले तो ये बताया कि आप भी किसी युद्ध से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो और फिर इस प्रकार की पाकिस्तान को एड देना एक पाकिस्तान समर्थित अमेरिकी सांसद का कमला हैरिस को सपोर्ट करना अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है। इन सब घटनाओं को आप लिंक करके देख पा रहे हैं कि नहीं और इन सब विषय में आपका क्या मानना है? अमेरिका का प्रेसिडेंसी का दावा होना, उनका रेसिस्ट माइंडसेट का अचानक उभर के सामने आना और आपकी जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप मानते हैं कि अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक पावरफुल कंट्री में भी रेसिज्म जैसी बुराइयां एग्जिस्ट करती है कि नहीं? आपके जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।